Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about Canada visitor visa versus super visa processing time और जो result के scenario हैं, क्योंकि अभी जो 7 September की update थी उसके बाद कुछ applicant थे, जैसे किसी का spouse हो जिन्होंने family reunification के under file लगाई थी, उनके visa within days आए हैं. So ऐसी update भी आई, लेकिन हम बात करेंगे विजिटर वीज़ा की नॉर्मल प्रोसेसिंग के ऊपर कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग टाइम क्या है. करंटली मैं आपको बता देता हूं कि देखिए रिजल्ट को लेके अभी धीरे धीरे अपडेट स्टार्ट हुई है. जो फैमिली विजिट वाले हैं, जिनकी स्पॉन्सरशिप फैमिली की है, क्लोज ब्लड रिलेटिव जो है, उनको अभी कुछ रिजल्ट मिले हैं. बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ रिजल्ट मिले हैं. तो यहाँ पे क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम, अब हम सुपर वीज़ा की भी बात करेंगे, क्योंकि सुपर वीज़ा आएगा ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का, तो वहाँ क्या सिनेरियो उसके बारे में बात करें. सबसे पहले हम विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम जो ऑनलाइन बता रहा है वो देख लेते हैं. यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस के अंदर आपने विजिटिंग स्टडीज या वर्किंग कैटेगरी के अंदर विजिटर वीज़ा आउटसाइड कैनेडा सेलेक्ट करके इंडिया सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर जो दोस्तों टाइम है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया. अभी भी यहाँ आपको 4 मंथ का टाइम ये दिखा रहा है, क्योंकि एक्चुअल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रोसेसिंग टाइम है ये सितंबर के बाद, अक्टूबर से नॉर्मल प्रोसेसिंग में आएगा, जो बाद में जो विजिटर वगैरह लगा रहे हैं, जो टूरिज्म के लिए लगा रहे हैं. लेकिन अभी पहली प्रेफरेंस रहेगी जो फैमिली विजिट है, मीन टू से टूरिज्म नहीं, फैमिली विजिट. कैनेडा इस चीज़ को समझता है, इसलिए आपको ध्यान हो कोविड के टाइम पर भी फैमिली विजिट के लिए एग्जेम्पशन दी गई थी, ट्रैवल पॉसिबल हुआ था. तो ये सिनेरियो रहते हैं. इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिया का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वाली कंट्रीज़ भी बैठी हुई है. वहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम है, जैसे ब्राज़ील का देख सकते हैं 192 डेज. यस, साथ में इंडिया से कम टाइम वाली कंट्रीज़ भी है जहाँ बॉर्डर डायरेक्टली ओपन है. डायरेक्टली बॉर्डर ओपन का मतलब है हम बात कर रहे हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर ओपन है, ट्रैवल पॉसिबल है, तो आपको जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत कम दिखेगा, बहुत ज़्यादा. इसका ये भी कारण है कि एप्लीकेंट कम होते हैं, क्योंकि जो यूएस के होते हैं उनके लिए वीज़ा नहीं ज़रूरी, जो वहाँ पे नॉन रेजिडेंट होते हैं जिनके पास टेम्परेरी वीज़ा, उनको वीज़ा चाहिए होता है. तो अब आती है बारी सुपर वीज़ा, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वीज़ा. इसमें आप हैरान हो जाएंगे प्रोसेसिंग टाइम देख के, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी की लिस्ट में है. तो कहने का मतलब है प्रायोरिटी की लिस्ट में जो है उनको वो सितंबर अक्टूबर मिड तक प्रोसेस करेंगे, इसके बाद जो नॉर्मल विजिटर वाले हैं उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी. यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया से सुपर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 43 डेज, जस्ट 1.5 मंथ का टाइम है, और इसमें प्रोसेसिंग हो भी रही है. आगे चल के ये टाइम कम भी होगा, और विजिटर के भी कुछ रिजल्ट आने स्टार्ट हुए, और जो टूरिज़्म वाले हैं जिन्होंने अपने प्लान बनाए हुए हैं उनके भी रिजल्ट आएंगे. यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना प्रोसेसिंग टाइम को लेकर. एक लास्ट में वर्क परमिट वालों का देख लेते हैं. वर्क परमिट के अगर सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ पे इनको भी काफ़ी टाइम, जिसमें ओपन वर्क परमिट कैटेगरी वाले भी आते हैं, बहुत वेट करना पड़ रहा है, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे. किसी का स्पाउस वहाँ पे है स्टडी के ऊपर, तो उसने जाना है, तो इसका प्रोसेसिंग के ऊपर भी आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है. देखिए 28 वीक्स, महीनों की बात हो रही है, ये हफ्तों में लिखा जरूर है लेकिन ये बात है महीनों की. तो कई महीने का ये प्रोसेसिंग टाइम आपका आ रहा है जब ओपन वर्क परमिट की बात करते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, वो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है उसी के ऊपर अपडेट दे रहे हैं. सो अब आगे चल के जैसे रिजल्ट आएंगे मैं आपसे इसी चैनल पे शेयर करूंगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें.